everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will discuss the exercise question of chapter 6. Okay student, we have studied the chapter in previous video, so let's discuss. First, choose the correct option. Here you have to tick the correct option. Okay, why was Ira sad? Ira sad kyun thi? The first option is Ira did not get selected to become a flower gardener. क्या वो फ्लावर गार्डनर बनने के लिए सिलेक्ट नहीं हुई थी इसलिए वो सैड थी. सेकेंड रीजन है इरा डिड नॉट हैव द टाइम टू डिजाइन द काइट. इरा के पास टाइम नहीं था काइट डिजाइन करने के लिए, क्या इस बात के लिए वो सैड थी. या फिर थर्ड रीजन है इरा कुड नॉट रीड द बुक ऑन फ्लावर्स. ठीक है, वो बुक नहीं पढ़ पा रही थी इसलिए वो सैड थी. तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है आपका, सी. ठीक है, वो किस लिए सैड थी, व्हाई वाज इरा सैड, बिकॉज इरा कुड नॉट रीड द बुक ऑन फ्लावर्स. वो फ्लावर्स के ऊपर जो बुक था उसे पढ़ नहीं पा रही थी इसलिए वो सैड थी. ठीक है, सेकेंड नंबर है व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर इरा टू रीड द बुक गिवन टू हर. इरा को जो बुक दिया गया था वो उसके लिए पढ़ना क्यों जरूरी था, आखिर क्या था उस बुक में. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है द बुक वुड हेल्प हर पास हर एग्जाम्स. ठीक है, उस बुक से वो अपना एग्जाम पास कर सकती थी. सेकेंड ऑप्शन है द बुक वुड हेल्प हर लर्न हाउ टू ग्रो एंड टेक केयर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स. उस बुक से उसे मदद मिलता ये सीखने में कि हमें कब कौन से फ्लावर्स लगाने हैं और उसका ख्याल कैसे रखना है, उसे केयर कैसे करना है. ठीक है, और सी ऑप्शन है कि द बुक वुड टीच हर हाउ टू ड्रॉ डिफरेंट डिजाइन्स ऑफ काइट्स. या फिर वो बुक उसे ये सिखाती कि वो किस तरह अलग अलग तरह के डिजाइन्स के काइट पतंग बना सकती है. तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, बी. क्यों बी क्यों सही ऑप्शन है, क्योंकि उस बुक की मदद से इरा नए नए फ्लावर्स के बारे में सीख सकती थी, उनका ख्याल कैसे रख सकते हैं ये जान सकती थी, इसलिए वो बुक उसके लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी था. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हु थॉट इरा टू रीड. इरा को पढ़ना किसने सिखाया, इराज पेरेंट्स, क्या उसके पेरेंट्स ने, इराज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों ने, या फिर इरा लर्न सीक्रेटली ऑन हर ओन, या फिर वो खुद से. तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है कि इरा के दोस्तों ने सिखाया था, तो बी ऑप्शन इराज फ्रेंड. नेक्स्ट फोर्थ नंबर है विच ऑफ दीज काइट्स इज सिमिलर टू व्हाट इरा हैड डिजाइन्ड फॉर द एनुअल काइट कंपटीशन. इनमें से कौन सा काइट सही है, मतलब जो कि उसने ड्रॉ किया था. तो यहाँ पे होगा ऑप्शन बी. क्यों, क्योंकि कहा गया था कि उसके जो काइट था उसका लॉन्ग टेल था और उसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स ड्रॉ किए हुए थे. ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर, बस डिफरेंस ये है कि इसमें टेल लॉन्ग नहीं, इसमें ही लॉन्ग टेल है, और हम जानते हैं कि इरा का काइट का जो टेल था वो लॉन्ग था. तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को टिक कर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू इराज फादर. इरा के पिता के अनुसार सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या था. तो पहला ऑप्शन है दैट इरा शुड रीड द बुक एंड लर्न हाउ टू ग्रो फ्लावर्स. ये बात कि इरा को उस बुक को पढ़ना चाहिए और ये सीखना चाहिए कि कैसे फ्लावर्स को ग्रो करते हैं. या फिर बी ऑप्शन है कि दैट इरा शुड बी अ फ्लावर गार्डनर, कि इरा को एक फ्लावर गार्डनर बनना चाहिए. या फिर सेकेंड सी ऑप्शन दैट इरा शुड फील हैप्पी विथ हर वर्क. तो यहाँ पे उसके पिता ने यही कहा था, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है कि इरा के पिता ने उसे कहा था कि तुम जो भी काम करो तुम्हें उसमें खुशी महसूस होना चाहिए, तुम्हें हैप्पी होना चाहिए अपने काम को करने में. ठीक है, तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ये सही ऑप्शन है. नेक्स्ट सिक्स नंबर है विच ऑफ दिस डिड इरा डू आफ्टर बिकमिंग अ फ्लावर गार्डनर. एक फ्लावर गार्डनर बनने के बाद इरा ने इनमें से कौन सा काम किया था. तो पहला ऑप्शन है कि इरा सेंड फ्लावर्स टू हर फ्रेंड्स ऑन देयर बर्थडेस. उनके बर्थडे पे इरा उन्हें फ्लावर भेजा करती थी अपने दोस्तों के बर्थडे पे. या फिर बी ऑप्शन है कि इरा रीड मोर बुक्स टू इंक्रीज हर नॉलेज, और इरा फिर बहुत सारे बुक्स पढ़ने लगी ताकि उसका नॉलेज और बढ़े फ्लावर्स के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, बोथ ए एंड बी. इरा ने ये दोनों ही काम किए इसलिए यहाँ पे आप सी को टिक कर देंगे, इसमें कि बोथ ए एंड बी. ठीक है, अब आते हैं बी आंसर में, आंसर इन डिटेल. ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है इरा इज इन ट्रबल. ठीक है, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम. किसने कहा और किसे कहा. तो किसने कहा था, इरा की माँ ने कहा था, और किसे कहा था, उसके फ्रेंड्स को कहा था. व्हाट ट्रबल वाज इरा इन, और इरा को किस तरह की परेशानी थी. तो क्या परेशानी थी, शी कुड नॉट रीड एंड राइट द बुक.
ठीक है, सी कुड नॉट रीड एंड राइट. नेक्स्ट सीन नंबर है, व्हाट वाज द स्पीकर सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. तो जिन्होंने ये बात कहा उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला था. तो क्या सॉल्यूशन निकाला था, उन्होंने कहा था कि आप मतलब फ्रेंड सबको कि तुम सब इरा को पढ़ना सिखाओ. नेक्स्ट सेकेंड नंबर है, वर इरास फ्रेंड हेल्पफुल एंड अंडरस्टैंडिंग, सपोर्ट योर आंसर्स विद लाइंस फ्रॉम द टेक्स्ट. क्या इरा के जो दोस्त थे वो बहुत ही हेल्पफुल, मदद कर रहे थे और अंडरस्टैंडिंग थे, समझदार थे. तो यस वो थे. कैसे कह सकते हैं हम ये, क्योंकि उन्होंने इरा की हेल्प की, उसे पढ़ना सिखाया और वो अंडरस्टैंडिंग भी थे. वो समझे कि इरा प्रॉब्लम में है इसलिए उनको प्रेस नहीं किया, उन लोगों ने वेट किया जब तक इरा खुद ना कहे कि हाँ वो गाइड डिजाइन करने के लिए तैयार है. ठीक है, तब तक वो लोग उसका वेट किए, पेशेंस रखे. तो ये क्या शो करता है कि उसके फ्रेंड बहुत ही अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पफुल थे. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इन टर्न मेकिंग अदर्स हैप्पी विल ब्रिंग हैप्पीनेस इनटू योर ओन हार्ट. ठीक है, अगर तुम दूसरों को खुशी पहुंचाओगे तो उससे तुम्हें खुद भी बहुत खुशी महसूस होगा. हु सेज दिस वर्ड्स एंड टू हुम, कौन कहता है और किसे कहता है. तो ये इराज फादर सेड टू इरा, इराज के पिता, इरा के पिता उसे कहते हैं. नेक्स्ट बी, डू यू एग्री व्हाई और व्हेन और, क्या आप इस बात से सहमत हैं. तो यस आई एग्री. क्यों सहमत है, क्योंकि सच में अगर हम किसी को खुश देखेंगे तो हमें भी हैप्पीनेस फील होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उस इंसान के चेहरे पे खुशी हमारे कारण आई है, तो हम भी अपने आप ही बहुत खुश फील करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर है, हाउ कैन अ फ्लावर गार्डनर ब्रिंग हैप्पीनेस टू अदर्स. एक फ्लावर गार्डनर दूसरे के मन में खुशी कैसे ला सकता है. तो कैसे ला सकता है, वो स्पेशल ओकेजन में उन्हें फ्लावर गिफ्ट कर सकता है. ठीक है, उनके बर्थडे पे फ्लावर गिफ्ट कर सकता है उनके. ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर है, थिंक एंड आंसर. अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ दीज क्वालिटीज डज इरा डिस्प्ले इन द स्टोरी, गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर. इनमें से कौन से क्वालिटी इरा ने दिखाया, आपको रीजन भी बताना है. तो वो हार्ड वर्किंग थी, यस वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थी. उसने पढ़ना सिर्फ एक महीने के अंदर सीख लिया था. ठीक है, रिस्पेक्टफुल थी, यस थी, टैलेंटेड भी थी, लेकिन ये दोनों चीज यहाँ पे शो नहीं किया गया है. ईगर टू लर्न ये था, वो बहुत ही ईगर, बहुत ही सीखने के लिए बहुत ईगर थी, मतलब बहुत चाहती थी कि वो कुछ सीखे. हेल्पफुल भी थी, उसने अपने फ्रेंड्स के हेल्प किए काइट डिजाइन करने में. ठीक है, नेक्स्ट डी नंबर आते हैं, नो योर वैल्यूज. Ira's friend help Ira learn how to read and write. They teach her, help her focus and support her while she is learning. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे इरा के फ्रेंड्स ने उसे पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, उसे सिखाया, उसे फोकस करना सिखाया, उसको सपोर्ट किया. ठीक है, तो योर क्लास हैज अ न्यू स्टूडेंट हु हैज ज्वाइंड द स्कूल मिड टर्म. आप ऐसे समझिए कि आपको सिचुएशन दिया गया है कि आपके क्लास में एक बच्चा आया, उसका न्यू एडमिशन हुआ है, वो मिड टर्म में ज्वाइन हुआ, यानी कि हाफ ईयरली एग्जाम के बाद ज्वाइन हुआ है. ठीक है, द न्यू स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग इन द क्लास एज हाफ द सिलेबस हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड. अब वो जो न्यू स्टूडेंट है वो थोड़ा उसको पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हाफ सिलेबस तो ऑलरेडी कम्प्लीट हो चुका है. ठीक है, तो उस समय आप क्या करेंगे, क्या करेंगे वहां पे, आप उस बच्चे की हेल्प करेंगे. ठीक है, उसे नोट्स देके, उसे जो सिलेबस छूट गया उसका, उसको दोबारा उसे समझाकर, ताकि वो अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सके. ठीक है, नेक्स्ट, वी शुड हेल्प दोज इन नीड. यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए जो जिनको की हेल्प की जरूरत है. ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे ग्रामर में. लुक एट द हाइलाइटेड वर्ड्स इन दी सेंटेंसेस. इरा वाज सिटिंग अंडर अ जम्बू ट्री. तो एन अनगोइंग एक्शन ड्यूरिंग अ पीरियड टाइम इन द पास्ट. अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये हो एक मतलब चल भी रहा है लेकिन पास्ट भी है, वो अभी भी है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट, इरा इज वाटरिंग हर गार्डन. तो एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जैसे कि ये हम लोग कब देख रहे हैं कि ये अभी भी हो रहा है. ठीक है, ये हम जब बोल रहे हैं इज वाटरिंग, यानी कि वो अभी भी पानी डाल रही है गार्डन में. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज हमने देखा कि यहाँ पे वॉज सिटिंग और यहाँ पे इज वॉटरिंग. तो ये जो काम था ये मतलब हो चुका था, एक टाइम में हो चुका है. ठीक है, और ये जो है इज वॉटरिंग, ये अभी भी हम जब बात कर रहे हैं अभी भी ये काम हो रहा है. ठीक है,
तो ये क्या शो करता है, कंटिन्यूअस टेंस शो करता है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला ये क्या है, ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो ये नीचे वाला है कि इरा इज वॉटरिंग हर गार्डन, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं, ठीक है। तो कब यूज करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। हम जब किसी ऐसे एक्शन के बारे में, ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो पास्ट में एक टाइम में चल रहा था, ठीक है, पास्ट में कुछ समय पहले चल रहा था वो, तो उसके लिए हम जब बात करते हैं तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैबिली दैट डे, सो वी डिसाइडेड टू स्टे होम। अब इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैबिली, ठीक है, मतलब ये एक पीरियड कल, ठीक है, उस दिन बारिश हो रहा था, तो ये बीत चुका है, लेकिन उस समय बहुत कुछ समय में ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, कंटिन्यूअस था और फिर कंप्लीट होकर खत्म हुआ। तो इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली दैट डे। नेक्स्ट सेकेंड हम कब यूज करते हैं, विद द सिंपल पास्ट टेंस टू शो दैट एन एक्शन वॉज ऑलरेडी गोइंग ऑन व्हेन अनदर एक्शन हैपेंड। और कभी कल हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के साथ यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि कोई काम चल रहा है जबकि दूसरा काम खत्म हो चुका है, ठीक है। जैसे कि वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट व्हेन द डोरबेल रैंग, तो यहाँ पे देखिए ये लोग खाना खा रहे थे उस समय बेल बजा, तो यहाँ पे एक काम हो चुका है, बेल बज चुका है, लेकिन दूसरा काम अभी भी कंटिन्यूअस है कि वो लोग खाना खा रहे थे, ठीक है। तो वी वर हैविंग ब्रेकफास्ट व्हेन द डोरबेल रैंग। अब देखिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करते हैं, तो पहला पॉइंट है कि व्हेन वी टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द प्रेजेंट, ठीक है। तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में तब बात करते हैं जब कोई एक्शन जो कि अभी भी चल रहा है प्रेजेंट में भी हो रहा है, ठीक है। जैसे दीप्ति इज डूइंग हर होमवर्क राइट नाउ, तो देखिए यहाँ पे राइट नाउ यानी कि अभी भी वो अपना होमवर्क कर रही है, तो प्रेजेंट में भी वो काम चल रहा है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और सेकेंड थिंग हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अ टेम्पररी एक्शन दैट मे नॉट एक्चुअली बी हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, या फिर कभी कल हम किसी ऐसे टेम्पररी एक्शन, ऐसे टेम्पररी काम के लिए बात करते हैं जो कि शायद अभी नहीं हो रहा, जब हम बात कर रहे हैं उस समय नहीं हो रहा है लेकिन वो हो चुका है, ठीक है। जैसे कि साहिल इज डूइंग योगा दीज डेज, ठीक है, दीज डेज यानी कि आजकल, तो आजकल क्या यानी कि हर रोज कर रहा है, सब चल रहा है ये, ठीक है, तो वो हर रोज वो आजकल योगा कर रहा है, तो यानी कि कंटिन्यूअस में है, वो आजकल से कर रहा है, बहुत दिन से कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। और थर्ड हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज बीन प्लान्ड इन द नियर फ्यूचर। और हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तब भी यूज करते हैं जब हमने कुछ चीज हमने प्लान किया है जो कि जस्ट होने वाला है, ठीक है, प्रेजेंट मतलब जस्ट फ्यूचर में होने वाला, नियर फ्यूचर में। जैसे कि वी आर गोइंग टू मनाली नेक्स्ट वीक, तो हम नेक्स्ट वीक मनाली जाने वाले हैं, तो हमने ये प्लान कर लिया, ये फ्यूचर में होने वाला है पक्का, तो इसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करके लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कब यूज करते हैं, ठीक है। और एक और बात, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं तो हम इज एम आर का यूज करते हैं प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। और जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं तो हम वाज या वेयर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखिए हमने वाज और वेयर का यूज किया एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है आपको उसको टिक करना है, ठीक है। जैसे एस्टरडे डैश एस्टरडे आई, उसके बाद इनमें से दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, टू द पार्क व्हेन आई सॉ एन एलिफेंट ऑन द रोड। तो यहाँ पे क्या होगा कि एस्टरडे बीता हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि बीत चुका है, तो क्या होगा, एस्टरडे आई वॉज गोइंग टू द पार्क व्हेन आई सॉ एन एलिफेंट ऑन द रोड, तो यहाँ पे क्या होगा, वॉज गोइंग, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर है रितु डैश हर बाइसाइकल आउटसाइड राइट नाउ, राइट नाउ यानी कि काम अभी भी चल रहा है, तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम क्या यूज करेंगे, रितु इज राइडिंग हर बाइसाइकल आउटसाइड राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है सीमा एंड प्रतीक आर डैश टू ईच अदर दीज डेज, दीज डेज यानी कि आजकल, ठीक है, तो यानी कि ये किसमें आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सीमा एंड प्रतीक आर नॉट टॉकिंग
टू ईच अदर दीज डेज, ठीक है। तो वैसे आपको बाकी सारे करने स्टूडेंट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट बी नंबर है, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस और द पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे दे डांस अ कोरियन फिल्म टू नाइट, ठीक है, टू नाइट यानी कि नियर फ्यूचर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दे के साथ हम आर लगाते हैं एंड आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो दे आर वॉचिंग अ कोरियन फिल्म टू नाइट, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डैश यू डैश टू द बस स्टॉप टुमारो, कल यानी कि ये भी नियर फ्यूचर में है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या लिखेंगे, हाउ आर यू गोइंग टू द बस स्टॉप टुमारो, ठीक है स्टूडेंट। तो वैसे आपको बाकी करने हैं। नेक्स्ट आते हैं वोकैबुलरी में, लुक एट दिस सेंटेंसेस, लुक एट दिस वर्ड्स, ठीक है। इन वर्ड्स में देखिए, इम्पॉसिबल, अनबियरेबल, इनकरेक्ट, तो इनमें हमने क्या यूज किया, देखिए जब भी हम किसी वर्ड के आगे ये लगाते हैं आई एम या यू एन या ई एन लगाते आई एन लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रफिक्स। प्रफिक्स का मतलब होता है जब कोई वर्ड के आगे कुछ दो लेटर्स एड करके एक न्यू वर्ड बनाना, उसका अपोजिट वर्ड बनाना, ठीक है, तो हम कहते हैं उसे प्रफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बी यूज द प्रफिक्स आई एम आई एन एंड यू एन एम इन अन इन द बिगिनिंग ऑफ सम वर्ड्स टू फॉर्म देयर अपोजिट, ठीक है, उनका अपोजिट फॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, करेक्ट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, टाइडी अनटाइडी, पॉसिबल इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे भी आपको प्रिफिक्स लगा के उसका अपोजिट वर्ड बनाना है, ठीक है। जैसे कि फ्रेंडली तो क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली, नोन तो क्या हो जाएगा, अननोन, ठीक है। तो वैसे आपको बाकी करने हैं, इसमें प्रफिक्स लगा के इसका अपोजिट वर्ड बनाना है एंड यहाँ पे जो वर्ड्स आप बनाओगे उन्हीं वर्ड्स का यूज करके यहाँ पे आपको फिलअप को करना है, ठीक है, फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन, एट फर्स्ट वी थॉट लॉरा वाज डैश बट लेटर वी रियलाइज दैट शी वाज जस्ट साय, तो यहाँ पे क्या होगा, अनफ्रेंडली, कि स्टार्टिंग में हमें लगा कि लॉरा बातें करना नहीं चाहती, बहुत ही मतलब दोस्तों से नहीं मिलना चाहती है, लेकिन बाद में हमें ये रियलाइज हुआ कि नहीं, वो बस शर्मिली है, ठीक है। नेक्स्ट, ईटिंग सो मच जंक फूड इज एन डैश हैबिट, अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाएंगे तो क्या हैबिट है ये, हेल्दी का अपोजिट अनहेल्दी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अनहेल्दी हैबिट, ठीक है। वैसे ही करना है आपको बाकी सारे। स्पेलिंग देखिए यहाँ पे, बी एड एन एस टू सिंगुलर फॉर्म्स टू फॉर्म प्यूलर्स, ठीक है, हम कभी काल वर्ड्स में एस जोड़ के उसका प्यूलर फॉर्म बनाते हैं, जैसे फ्लावर बन जाएगा फ्लावर्स, रोज रोजेस, ठीक है। और कभी काल हम ES भी ऐड करते हैं, जैसे ब्रांच क्या बन जाएगा, ब्रांचेस, आपने ग्रामर में ये पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है, कि हम लोग कब S और कब ES ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ वर्ड एंड्स विद द लेटर बाई वी चेंज द बाई इनटू आई एंड देन ऐड ES, ठीक है, टू फॉर्म इस प्यूलर। कभी काल जब लास्ट में बाई आता है तो हम इस बाई को हटा के से क्या कर देते हैं, आई करते हैं और उसके बाद फिर ES ऐड करते हैं, जैसे स्टोरी है तो क्या बन जाएगा, स्टोरीज, कंट्री तो कंट्री क्या बन जाएगा, कंट्रीज, ठीक है। समटाइम्स वी चेंज एफ टू भी एंड एड ES, और कभी काल हम एफ को भी में चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो लीफ है तो क्या बन जाएगा, लीव्स, बाइफ क्या बन जाएगा, बाइफ्स, ठीक है, WIFWIVES, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, चेंज दिस वर्ड्स टू देयर प्यूलर फॉर्म्स, इसके प्यूलर फॉर्म्स में आपको चेंज करने हैं, जैसे वास है तो वासेस, डेजी डेजीज, एक्टिविटी एक्टिविटीज, ठीक है, तो ऐसे आपको चेंज करने हैं। यहाँ पे बाई था तो बाई को चेंज करके हम क्या लिखेंगे, IES, यहाँ पे भी बाई है तो सेम चेंज करेंगे, ठीक है। तो वैसे आपको ये करना है, प्यूलर फॉर्म्स में से लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग राइटिंग सेक्शन में, ठीक है। इमेजिन यू आर इरा, राइट अ लेटर टू योर ग्रैंड मदर टेलिंग हर अबाउट योर गार्डन एंड इनवाइटिंग हर टू विजिट यू, यूज दिस हिंट टू राइट द लेटर इन ए नोटबुक, ठीक है। यहाँ पे आपको इमेजिन करना है कि आप इरा हो और आप अपनी दादी को एक लेटर लिख रहे हो जिनको जिनमें कि आप अपने गार्डन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, बता रहे हो उनको और उनको इन्वाइट भी कर रहे हो कि एक बार वो आके आपका गार्डन भी देखे, आपसे मिले, ठीक है। तो इन हिंट्स का आप हेल्प ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, ये फॉर्मेट दिया हुआ है लेटर लिखने का, कैसे आपको लेटर लिखना चाहिए, ठीक है।
तो लेटर टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स हम उसे कहते हैं जो आप अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर्स को या ऑफिस काम के लिए लिखते हो, और इनफॉर्मल लेटर्स हम उसे कहते हैं जो कि हम अपने फ्रेंड को, अपने फैमिली मेंबर्स को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। तो पहले, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, अपना घर का एड्रेस लिखना है सबसे पहले, ठीक है, कि क्या एड्रेस है आपका। उसके बाद आप एक लाइन का गैप देके क्या लिखोगे, डेट, क्या डेट है आज का, ठीक है। उसके बाद एक लाइन का गैप देके आप सैल्यूटेशन दोगे, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, सैल्यूटेशन या फिर ग्रीटिंग, कि आप अपने दादी को कैसे बुलाओगे, ठीक है, सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग। और उसके बाद दो लाइन का आप इंट्रोडक्शन दोगे, आप उनका हालचाल पूछोगे, अपने बारे में थोड़ा बताओगे कि आपका हालचाल कैसा है, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे, बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि आपका जो मेन कारण था उस लेटर को लिखने का, आप वो बताओगे उसमें, ठीक है। और जो लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें आप कंक्लूजन दोगे, कंक्लूजन यानी कि लास्ट में आप बताओगे कि आप उनसे मिलना चाहते हो, उनको बुला रहे हो, जो कुछ भी आप लास्ट में क्या ओपिनियन है आपका वो आप बताओगे। और सबसे लास्ट में क्या आएगा, बेस्ट विशेस, ठीक है, बेस्ट विशेस, या फिर आप ये लिखोगे लॉट्स ऑफ लव, योर लविंग सन, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, फ्रेंड, जो भी, और फिर अपना लास्ट में सिग्नेचर, अपना नाम दोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट होता है इनफॉर्मल लेटर्स लिखने का। ओके स्टूडेंट, तो इसी को यूज करके आपको एक लेटर लिखना है अपने ग्रैंड मदर को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लाइफ स्किल, तो इसको अगर देखिए कि लुक एट दिस सिचुएशन, आई रियली लाइक द वे यू सिंग आदिल, यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। एक लड़की इस लड़के को कह रही है कि तुम बहुत ही अच्छा गाते हो और तुम्हारा जो आवाज है बहुत ही सुंदर है, ठीक है। तो ये थैंक्स कहता है उसे। नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, यहाँ पे थैंक यू फॉर कुकिंग सच टेस्टी फूड माँ। तो यहाँ पे ये कह रहा है लड़का बच्चा अपनी माँ को कि आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया माँ, उसके लिए थैंक यू। तो ये कहते हैं थैंक्स अरब, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट आर मीता एंड अरब एक्सप्रेसिंग इन दिस पिक्चर्स, इन पिक्चर्स में अरब और मीता क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड की, इतना अच्छा, वो तारीफ कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डू यू थिंक द पर्सन रिसीविंग द कॉम्प्लीमेंट फील्स इन दिस पिक्चर्स, और जिन लोगों को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, जिनकी तारीफ कर रहे हैं, वो लोग कैसा फील कर रहे हैं। तो बहुत ही खुश फील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन वी लाइक और एडमायर समथिंग अबाउट समवन, वी शुड लेट देम नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोरल भी, ठीक है, कि जब हम किसी के बारे में किसी चीज को एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि हाँ, आपके अंदर ये क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और हमें आपके अंदर क्वालिटी पसंद है, ठीक है। इट हेल्प्स स्प्रेड पॉजिटिव थॉट्स एंड हेल्प्स पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्फ। तो इससे क्या होगा कि जो सामने वाला इंसान है उसे खुद के बारे में अच्छा लगेगा कि अच्छा, मैंने इतना अच्छा काम किया, उनको अच्छा लगा, तो मैं और अच्छा काम करूंगी और अच्छे से करूंगी, ठीक है। तो हमें जब लगता है कि हाँ, कोई सामने वाला इंसान बहुत मेहनत कर रहा है और सच में आप उसके काम से खुश हो, तो आपको उसे प्रेज करना चाहिए, उसे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसे तारीफ करना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। ओके, सो यही आपका चैप्टर था स्टूडेंट। आई होप आप लोग को चैप्टर क्लियर हो गया था, आप लोग इस एक्सरसाइज भी कर लोगे।